खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिव जयंती के तहत मुनाकिदा शिव चरित्र पारायण प्रोग्राम बना कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। दो साल बाद फिर शुरू हुआ उमरा के मुकद्दस सफर का आगाज। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी की अनोखी एहतजाजी तहरीक। वजीर आजम की मजम्मत में भेजे जाएंगे 50,000 मजम्मती खतूत। और वबाई दौर की पाबंदियों में कमसी नालिया ने खाली वक्त का किया बेहतरीन इस्तेमाल। छोटे से कारोबार में मिले मुनाफे से मुस्तहिकों की मदद। अब खबरें तफसील से। शिव जयंती के पेश नजर उत्सव समिति की जानिब से आज क्रांति चौक पर शिव चरित्र पारायण का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। हिजाब में मलबूस मुस्लिम तलबात की शिरकत ने इस प्रोग्राम को कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल बना दिया। रियासती वजीर बराए रोजगार संदीपान भूमरे के हाथों आज शिव चरित्र पारायण का इफ्तिताह अमल में आया। प्रोग्राम के तहत शहर के तालीमी इदारों के तलबा के हमरा शिव चरित्र पारायण शुरू की गई। प्रोग्राम में शरीक मुस्लिम तलबा ने शिवाजी महाराज की जिंदगी पर मुबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। इसके जरिए उन्होंने समाज को पैगाम दिया कि शिवाजी महाराज किसी खास धर्म मजहब या जात के राजा नहीं, बल्कि उन्होंने तमाम मजाहिब और जात व समाज के लिए काम किया। प्रोग्राम में शरीक मुस्लिम तलबात ने हिजाब पहन रखा था, जो इस प्रोग्राम की दिलकशी को बढ़ा रहा था। एक तरफ हिजाब पर गंदी सियासत जारी है, ऐसे में शिव जयंती के इस प्रोग्राम में हिजाब के साथ मुस्लिम तलबात ने कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया। आणि या पारायणामध्ये सर्व समाजाचे विद्यार्थी या पारायणामध्ये एक चांगला उपक्रम भराड सरने हा सुरू केलेला आहे आणि दिवसेंदिवस इथे विद्यार्थी सर्व धर्मीय विद्यार्थी याच्यामध्ये सामावून घेतलेले आणि 5 दिवसाचा हा पारायण 16 ते नीद सुरू केलेला आहे। शिवाजी महाराजांच्या डोक्यात घेऊन नाचण्यापेक्षा त्यांचे विचार डोक्यात घ्या हे महत्त्वाचं आहे। येणारी शिवजयंती अगदी उत्साह सगळ्यांनी साजरी करावी। आज आपल्या संभाजीनगर शहरामध्ये देशात शिवाजी महाराजांचा पुतळा नसेना असा पुतळा बसवण्याचं काम आपल्या या संभाजीनगर महानगरपालिकेनं केलेलं आहे आणि ह्या पुतळ्याचं अनावरणसुद्धा लवकरात लवकर होणार आहे। जो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से जो मजहब में या जात में धर्म में इलाक़े में जो कुछ ऐसा कुछ बात चल रही थी कि जो एक दूसरे के खिलाफ किसी न किसी वजह से हो रहे थे, ऐसे दौर में आज के दौर में सबसे अच्छे जो सोच थी ख्याल था कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो जिस दौर में उन्होंने एक अपना स्वराज स्थापन किया था और उस वक्त वो स्वराज स्थापन करते वक्त उनको जो सबको साथ लेकर चले थे, आपने देखेंगे कि उनके साथ सभी लोग थे, खासतौर से मुस्लिम बड़ी संख्या में उनके साथ थे, बड़े बड़े ओहदे पर थे। तो ये विचार आज के दौर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी हैं खासतौर से आने वाले कल के नागरिक हैं इन पर इन तक सही बात पहुँचे और हम ये चाहते हैं कि ये आज के दौर में शिवाजी महाराज के जो विचार है ये हमारे स्टूडेंट्स आगे लेके चले। ही जयंती साजरी करता असताना फक्त आपण बँड वगैरे लावून वाजून वाजून नाचून अशा प्रकारची साजरी करतो, परंतु आम्ही एक वेगळा विचार तयार केला की जेणेकरून आपण सर्वधर्म समभावाने कसं राहू, सर्वधर्म समभाव एकत्रित कसे येतील, राष्ट्रीय एकात्मता कशी राहील आणि खऱ्या अर्थाने जर शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य आपल्याला निर्माण करायचं असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आपल्याला वेगळा काहीतरी करावं लागेल। आणि म्हणूनच आम्ही बघ माझ्याबरोबर आम्ही काही हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई अशा प्रकारच्या सर्व धर्मियांना एकत्रित घेऊन छत्रपती शिवचरित्र पारायण सोहळा समिती स्थापन केली आणि त्याच्या निमित्तानं गेल्या 5 वर्षापासून म्हणजे 5वं वर्ष आहे 2018 पासून 13 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी अशा प्रकारचा सप्ताह आम्ही या ठिकाणी 7 दिवसाचा साजरा करतो। असल में जो है शिवाजी महाराज जो है ये कोई पर्टिकुलर मजहब के नहीं थे, ये सभी धर्म के लोगों को जो है साथ लेके चलने वाले
और ख़ास तौर पे मुसलमान जो थे उनके अंगरक्षक थे, यानी इसका मतलब जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आदिवासी और पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले ऐसे महाराज थे। और ये जो है प्रोग्राम का जो मकसद है कि बच्चों ने नाच गाने के अलावा शिवाजी महाराज के विचार जो है उनको डोके में बसना चाहिए, उनके दिमाग में बसना चाहिए, उनके दिल में बसना चाहिए, ऐसा जो है हमारी हम सब की धारणा है। मैं भी इनके साथ जो है सहसंयोजक हूँ। दो साल के तवील और कठिन दौर के बाद अब उमरा टूर ऑपरेटर्स का कारोबार भी शुरू हो रहा है। शहर के कुछ ऑपरेटर्स उमरा टूर की तैयारियां कर रहे हैं। इस महीने शहर से कुछ ग्रुप उमरा के सफर के लिए रवाना होंगे। कोरोना के खौफनाक वबाई दौर में जो कारोबार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए उनमें उमरा टूर भी शामिल है। मराठवाड़ा और आसपास के अजला के आजमीन उमरा के लिए औरंगाबाद के ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करते हैं। शहर में टूर ऑपरेटर की बड़ी तादाद है जिनके जरिए साल भर हजारों आजमीन उमरा के लिए रवाना होते हैं। लॉकडाउन और फिजाई सफर पर पाबंदियों की वजह से ये कारोबार भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। छोटे मोटे टूर ऑपरेटर सख्त परेशान थे। अब कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने पर सऊदी अरेबिया हुकूमत ने उमरा पर लगी पाबंदी हटा दी। अब दो साल के बाद उमरा की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। शहर के एक टूर ऑपरेटर आयशा हज व उमरा टूर्स के मालिक सैयद अजहर से हमने मुलाकात की। इस महीने की 22 तारीख को आयशा टूर्स के जरिए उमरा का काफिला रवाना हो रहा है। सैयद अजहर ने सफर के लिए हुकूमत के शराइत व ज़वाब्त और वबाई दौर के असरात से उमरा टूर के ऑपरेटर के कारोबार पर हुए असरात पर बातचीत की। अभी जो दो साल से बंद है उसमें अमूमन जो छोटे मोटे टूर्स थे जो ऑपरेटर्स हैं वो अल्लाह वो बताए कि उन पर क्या हालात हुई। बहरहाल तकलीफ़ का सामना तो करना पड़ा, नो इशू, तकलीफ़ सभी को हुई है। और हमारे पास क्या हुआ कि हमारा सेटअप पहले से एक मल्टीपल बिजनेस होने की वजह से थोड़ा तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अतराफ़ और जितना महाराष्ट्र में जितने टूर ऑपरेटर्स है काफ़ी से हमको उनकी जहनीत पता चली, उनसे बातचीत हुई, तब रबता करना पता चला कि उनके हालात है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ने वो हालात ख़त्म कर चुके हैं, अब अल्लाह का शुक्र है। अभी देखिए 22 फरवरी को अलहमदिल्ला हमारा दूसरा टूर फर्स्ट टूर जा रहा है। इसमें आपको हमने जो रखा है जो हमारे आजमी ने जो दो साल से उमरा नहीं करे, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको छोड़कर भी चले गए, अल्लाह ने उनको नसीब नहीं किया, तो अलहमदिल्ला अभी जो हमने चालू किए तो हमारे आजमीन के जो भी आयशा टूर्स की जानिब से जा रहा है उसके लिए हमने 5-स्टार होटल रख दिया जो मक्का में हुदूद हरम में है। 5-स्टार होटल है, हुदूद हरम में ही है। अमूमन क्या होता है कि हमारे पास कि हम अपने वालदैन को और वालिद को बूढ़ेपन में 50-60 की उम्र में उमरा भेजते हैं, तो वो देखते हुए हमने हमारे जितने भी आजमीन हैं जो हमारे ग्रुप से जाएंगे उनके लिए हमने 5-स्टार होटल रखी, वो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, यानी आज तक की किसी ने ऐसी होटल नहीं थी आपको 100 मीटर में, वो भी मक्का के अंदर। तो जो भी हमसे उमरा करेगा इंशाल्लाह उसको हम 5-स्टार होटल में रखेंगे और हुदूद हरम में रखेंगे। तक की पाबंदी थी लास्ट जनवरी तक के, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरत हाल ऐसी है कि आपको पाबंदी हटा दी गई है। जो हरम में हमको नमाज पढ़ने के लिए एतमरना ऐप के ऊपर एप्लीकेशन करना पड़ता था जी, वो नमाज की पाबंदी हट चुकी है। अभी सिर्फ आपको जब उमरा करना है तो उमरे के लिए आपको एतमरना ऐप पे रिक्वेस्ट डालना है, जो विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपको सऊदी हुकूमत से रिप्लाई आता है कि आपका अप्रूवल हो गया है। जितने आप उमरे करोगे उतने बार आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा जी। देखिए अभी सऊदी हुकूमत के दो ही रिक्वायरमेंट हैं, एक तो आपको अगर उमरा करना है तो दोनों डोज कंपलसरी है, वो भी कोविशील्ड की ही चाहिए, उनके कंडीशन ये है कोविशील्ड के दोनों डोज चाहिए। उसके अलावा दूसरा कंडीशन ये है कि आप जब इंडिया से फ्लाई करोगे तो 24 आवर्स बिफोर का आपके पास RT-PCR नेगेटिव वाला टेस्ट चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट रहेंगी तो आप ये दो कंडीशन के तो जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। पर मक्का में अगर आप उतरते हैं डायरेक्ट मुंबई से मक्का जाएंगे या जद्दा एयरपोर्ट उतरेंगे तो 5 डेज़ का आपके लिए क्वारंटाइन है। अच्छा। जो कि एहराम की हालत में मुमकिन नहीं है, तो बेहतर यह है कि हम अपने आजमीन को पहले मदीना लेके जा रहे हैं। मदीने जाने के लिए हमको एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है, हम मदीना उतरेंगे 5 दिन का जो क्वारंटाइन है उसमें हमको एक बेल्ट दिया जाएगा जो हज में देते हैं अमूमा जी, वो बेल्ट पहनने के बाद आप मस्जिद नबी में जा सकते, नमाज अदा कर सकते, सलाम पेश करने जा सकते, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमारे 7 दिन यहाँ आसानी से आफिस से गुजर जाएंगे। हम अब उम्र की नियत करेंगे मदीने से, मदीने से एहराम पहन के इंशाल्लाह हम मक्का के लिए कुछ करेंगे जी। वापसी में भी सऊदी गवर्नमेंट यानी हुकूमत की तरफ से कि आपको जैसे हम लोग इंडिया से जा रहे हैं तो RT-PCR लग रहा है, वैसा सऊदी से जब हम रिटर्न आएंगे तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से RT-PCR कराया जाएगा, जिसका रिपोर्ट इंडिया में आके दिखाना कि हम निगेटिव लौटे हैं वहाँ से, ये वहाँ की शरायत है रिटर्न में।
देखिए इसमें तीन चीजें बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमें नहीं बल्कि सारे टूर ऑपरेटर को करना पड़ रहा है। सबसे पहला मसला आ रहा है कि दोनों डोज जी, यानी फर्स्ट कोविड का वैक्सीन और सेकेंड वाला जी, ये अमूमन लोगों के पास नहीं है। सबसे पहला ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो रेट्स हम लोग 60,000 रुपए में उमरा कराते थे आमतौर पे, अब हो गया 1,10,000, 1,05,000, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 के नीचे ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास भी नहीं। दूसरा प्रॉब्लम आया पैसे के हिसाब से, डबल रेट्स हो गए। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अंडर 18 आप ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि 18 साल के अंदर के बच्चे को आप उमरा के लिए नहीं ले जा सकते, तो उम्र को लेके असर है। दूसरा कोविड का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसको लेके असर है, और तीसरा पैसा बढ़ गया है। ये तीनों की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जहाँ पे 50 का ग्रुप जाना है तो वहाँ 20-15 में ही हमको ग्रुप लेके जाना पड़ रहा है। अच्छा। तीन बेतहाशा बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम के जज्बात से हुकूमत को वाकिफ करवाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुखालफत का इजहार करने के लिए औरंगाबाद शहर आम आदमी पार्टी ने अनोखा तरीका अपनाया, जिसमें शहर से 50,000 खत रवाना करके हुकूमत की मजम्मत का इजहार किया जाएगा। वबाई दौर में बर्बाद अवाम के लिए महंगाई दोहरी मुसीबत बन गई है। बेतहाशा महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस महंगाई के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने महंगाई के जिम्मेदार वजीर आजम मोदी के खिलाफ मजम्मत का इजहार करने के लिए औरंगाबाद से 50,000 शहरियान के खतूत रवाना किए। आम आदमी पार्टी के लीडर रघु वैवारे पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए इस एहतजाजी तहरीक की तफसील बताई। तुम्हाला माहितीच आहे की जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडलेत, पेट्रोलजन्य वस्तूंचे पण, पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, घरगुती गॅस सिलेंडर असेल, या सगळ्यांचे दर प्रचंड वाढले आहेत। आणि या सगळ्या महागाईच्या याच्यावरती सामान्य माणसाचं जगणं असह्य झालेलं आहे। दर दिवशी त्यांनी दिवसभर काम केल्यानंतर त्याला आता जी तुटपुंजी रोजगार जो असेल किंवा जे असंघटित कामगार आहे, तर या लोकांचं जगणं तर फार कोलमडून पडलेलं आहे। आरोग्य व्यवस्थेचे 3-13 वाजलेत। कोविडच्या काळात आपण पाहिलं आहे की कित्येक दिवसाकाठी कितीतरी मृत्यू आपण अनुभवले आहे। तर या सगळ्याच्या धर्तीवरती आमची केंद्र सरकारला, मोदी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी करावेत। आणि त्या संदर्भात हे जे नागरिकांचं म्हणणं आहे, आम्ही हे जे पोस्टकार्ड अभियान चालवतो आहे, तर या अभियानांतर्गत जनतेकडून भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे आणि जनतेच्या मनामध्ये किती रोष आहे या गोष्टींचा आम्हाला इथे आता याचा हे समक्ष पाहायला भेटतं आहे। माझं म्हणणं आहे की महागाई थोडी कमी करावी, म्हणजे आता इकडे खूप महागाई वाढलेली, आम जनतेचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे। डाळी भाव, तेल भाव इतका वाढलेला आहे की लोकांना परवडत नाही आहे ह्या गोष्टी घेण्यासाठी। त्याच्यामुळे जर लोक, काही लोक एवढे म्हणजे महागाई नाही झालेले की ते हलका क्वालिटीचं यूज करायला लागले, त्यांनी आजार पसरतो आहे त्या गोष्टींबद्दल। आणि त्याबद्दल म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रात पण खूप महागाई वाढलेली आहे, जसं आता कॉलेज यांचे फीस पण खूप वाढले आहेत, मेडिकल कॉलेजला एंट्रन्सला जास्त फीस लागते। तर तेवढी म्हणजे माझी हे रिक्वेस्ट की त्यांनी महागाई कमी करावी। शहर की सबसे बड़ी शहरी व अनाज मंडी जादववाड़ी में जराइम की वारदात बढ़ रही है। यहाँ ताजिरों और ख्वातीन के तहफ्फुज का मसला पैदा हो चुका है। एडीएन से बात करते हुए ताजिरों और ख्वातीन ने मंडी में हिफाजती इंतजाम का मुतालबा किया। आम्ही सकाळी 3 पासून येतो, आड़त वाले इथे आम्हाला महाग भाजीपाला देतात आणि आम्हाला इथे तो खूप कमी भावात विकावा लागतो। आणि त्याचप्रमाणे कसं आहे माहिती का दादा, भाजी मंडी मार्केट मध्ये महिला सुरक्षित नाहीयेत, म्हणजे आम्ही लॉकडाऊनमुळे चांगल्या घरातल्या महिला इथे भाजीचा व्यवसाय करायला आलेलो आहेत। तर प्रत्येकांना कसं वाटतं माहिती आहे का की भाजीपाला विकतोय म्हणजे ह्या म्हणजे असं धंद्याला लागलेल्या बायका आहेत का, पण आम्ही असं काहीच करत नाही ना, आम्ही मेहनत करतोय, आम्हाला आमच्या मेहनतीचं म्हणजे काहीच मोल मिळत नाही आहे। कोणी पण उठलं की सुटलं येऊन काही पण बोलतो, आम्ही रोडवर बसलो त्याचा अर्थ असा नाही ना की आम्ही इथे इज्जत विकायला बसलेलो आहेत म्हणून। तर आम्ही मेहनत करतोय, आम्ही घरं सांभाळतोय, आम्ही स्वावलंबी आहेत, याचा आम्हाला गर्व आहे, अभिमान आहे। पण लोक त्या याने म्हणजे त्या प्रकारे समजत नाहीत ना महिलांना। आणि जर महिलांना असंच जर दुय्यम स्थान दिलं तर कसं महिलांच्या सुरक्षितेसाठी म्हणजे इथे काहीतरी पाहिजे, सिक्युरिटी गार्ड पाहिजेत महिलांना, काहीतरी म्हणजे इथे हे पाहिजे म्हणजे महिला कुठल्याही घरातल्या महिला येऊ द्या, कुठल्याही क्षेत्रातल्या महिला येऊ द्या, या इथे इज्जतीने त्यांचा व्यवसाय करू शकल्या पाहिजे। ये बीमारी के वजह से कार व्यापार नाही आहे, पुरे ठप हो गए, हम जो भी ला रहे जानवरों को डालना पड़ रहा, नुकसान हो रहा हमारा, इसमें माल सूख जा रहा, ये सब बेची हम जानवरों को डाल रहे,
इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा सब नुकसान है, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी मार्केट ऐसा मार्केट पूरा खाली हो गया है, आज बाजार का दिन है फिर भी धंधे व्यापार नहीं है। साधव मंडी मध्ये आम्ही सकाळपासून 4 वाजेपासून येतो, तर माल घेतला त्या भावात विकत नाही, चार दे किमतीमध्ये गिरायत मात्र गाडीमध्ये आता 400-500 भाजी पडलेली, माल तसंच पडून राहतो, नंतर जनावराला टाकावं लागतो। फाशी घ्यायचा टाइम आला, मला इतकाली मेहनत करून सोडून देणं पडू राहिलं, हे काय उपयोग आहे आम्हाला, यो पैसा खर्च करून आणि तसं सोडून देणं आलं नाही आहे मग, आणि फुकट बी न्याय नाही लोक, काय करावं मग त्याला। शेतकरी एवढा मेहनत, शेतकरी एवढा मेहनत करून आणि त्याचा काहीच उपयोग नाही ना यो मग, आता हे माल सोडून ढोरायला बी हे आहे ना, कशासाठी चालतो हे मोदी, आता शासनानं काही करा ना मदत, आता हे एवढा असं फुकटच्या फाकट दिलं, आता फुलंब्री तालुक्यातून आलो आम्ही, त्याची काही मेहनत मजुरी भेटलीच नाही तर काय करणार आहे आता। 25 किलोमीटरवरून भाजी घेऊन आलेलो आहे, भाजी विकली नाही, रात्रीपासून बेजारी हे, आता सगळे आता काय जशी सोडून चाललो सगळे घेऊन चालले लोक भाजी, फुकटसुद्धा कोणी घेईन तिला, अशी परिस्थिती झाली। एक तर उन्हाचा त्रास, जनावराचा त्रास, व्यवस्थित भाव नाही, आता काय करायला पाहिजे शेतकऱ्यांनी। आता 6000 बी टाकलं, 6000 8 रुपये सुद्धा झाले नाही आज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, काय करायचं सामान्य माणसांना हेच काही कळत नाही, डायरेक्ट काशी फाशी घ्यावं असं वाटतं ना। एक तर कर्जबाजारी पण काही, त्याच्यावर बँके जुळून काही असं काही तसं काही, आणि काही असं त्या भाजी हे असं चाललं बघा, आता हे खरमुरी ही रिअल परिस्थिती नाही, हे काय दाखवायचं थोडी कुणाला आपल्याला, पण हे खरंच आहे, याच्यावर काहीतरी शासनाने काहीतरी करायला पाहिजे, निर्णय घ्यायला पाहिजे। टेहरी समाज की जानिब से समाज के लड़के लड़कियों के रिश्ते तय करने और इज्तिमाई शादियों का रियासती सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 1100 से ज़ायद जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। शानूरमिया दरगाह से करीब श्री हरि पवेलियन में आज टेहरी समाज की जानिब से एहतजाजी शादियाँ रखी गयी थी। इस प्रोग्राम में समाज के लड़के और लड़कियों के रिश्ते भी तय किए गए। प्रोग्राम की खास बात ये रही कि इसमें बेवा, तलाकशुदा, अपाहिज, नाबीना लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से मिलाया गया। प्रोग्राम में रियासत भर से 1147 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इस प्रोग्राम में तेली समाज के कौमी सदर जयदत्त क्षीरसागर, चंद्रशेखर बावनकुड़े, MLC अम्बादास दानवे, विजय चौधरी, संजय सवालाखे वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम का एहतमाम सुरेश कुरडिले, मनोज संतान से, सुरेश मिटकर, विष्णु सदलिंबे, दीपक रावत वगैरह ने किया था। 19 वर्षापासून सातत्य तेली समाजाने टिकवलेलं आहे। आजच्या जीवनामध्ये बरेच लग्न कार्य मोठ्या धामधुमीत मोठा शो केला जातो, तेली समाजाच्या माध्यमातून अतिशय साधेपणाने मोठा श्रीमंत असो गरीब असो समानतेने एक विवाह लावले जातात। मला असं वाटतं ही परंपरा सगळ्या समाजाने पाळण्याची गरज आहे, तिने तिने समाजाच्या उपक्रमास माझ्या मनोपूर्वक शुभेच्छा। गेल्या 16 वर्षापासून सातत्यानं जिल्ह्यातल्या तेली समाजाची भूमिका मंडळी एकत्र येऊन असे समाज उपयोगी कार्यक्रम घेतात, त्याला चांगलं यश मिळतं, वेळ पैशाची बचत होते, आणि अनेक सामाजिक कामापैकी हे महत्त्वाचं काम इथली संघटना आणि इथली संयोजन समिती म्हणून संताशे वेळंजकर त्यांचे सर्व सहकारी यांनी आणि माझ्या बाजूला जे शीतलांबे उभे आहेत या सगळ्यांनी अतिशय तातडीनं हा काम केलं आणि याचं सातत्य टिकवायला पाहिजे, समाजाला पूरक आणि चांगली बाबत। परंतु आता कोरोना काळ पुन्हा थंडावलेला आहे, त्यामुळं आज परत त्या जोमानं वेगानं आज जिल्ह्यातली समाज व प्रदेशतली महासंघाच्या वतीनं आज राज्यस्तरीय वधूवर पालक परिचय मेळावा या ठिकाणी सर्व समाज बांधवांच्या हजारोच्या संख्येनं आणि प्रमुख म्हणजे ज्या मान्यवर वधूवर यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहेत। आमच्याकडे जवळपास 1147 वधूवरांची या ठिकाणी नोंद झाली आणि या ठिकाणी या वधूवरामध्ये जर काही लग्न जमले तर ते सुद्धा आम्ही निःशुल्क 1 रुपयानं घेता महाराष्ट्रीय पद्धतीनं आम्ही या ठिकाणी लावून देण्याचं काम या ठिकाणी करू। शहर से करीब पहाड़ी सिलसिले में वाकई गार हाय औरंगाबाद अय्याशी और नशे का अड्डा बन चुका है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराद ग्रुप ने पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम के जरिए फहाश व गैर कानूनी सरगर्मियों पर लगाम लगाने का मुतालबा दिया।
तारीखी बीबी का मकबरा कुछ किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी सिलसिले में गा रहा है औरंगाबाद में वाकई है। यह इलाका आमतौर पर सुनसान रहता है। कुछ फितरत पसंद और अकीदतमंद यहाँ गार देखने या सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम होती है। ये सुनसान इलाका अय्याशी और ओबाश किस्म के अफराद की सरगर्मी का मरकज़ बन चुका है। यहाँ हर दिन नौजवान लड़के लड़कियाँ गैर अखलाकी हरकतें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा शराब और गांजे का नशा करने वाले अफराद के लिए भी ये सुनसान इलाका महफूज अड्डा बन चुका है। आरपीआई खराद ग्रुप ने पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करके इस तरफ मुतवज्जह किया। इस वफ्द में मनीष नरवड़े, मनोज शिजोड़, पवन पवार, योगेश उबाले वगैरह शामिल है। वक्त के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। लॉकडाउन का तवील अरसा पूरी दुनिया के लिए अजाब बना हुआ था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने इस फुर्सत को गनीमत जानकर एक कारोबार किया और इसके मुनाफे से एक अपाहिज और बेवा की मदद करके माशरे से बेहतरीन मिसाल कायम की। गुज़िश्ता 2 साल में ज्यादातर अरसा लॉकडाउन की कैद व बंद में गुजर गया। वबा के खौफ से लोग अपने घरों में इस तरह बंद रहे जैसे वो किसी खुली जेल में वक्त गुजार रहे हो। लोगों के लिए वक्त काटना ही एक ज़बरदस्त मसला बना हुआ था। इस फुर्सत को कुछ लोगों ने माशरे की खिदमत का जरिया बनाया। वबाई दौर में साहिब हैसियत लोगों ने अपनी बिसात से बढ़कर मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद की, माशरती खिदमत में अपनी जान माल और वक्त लगाया। ये तो बड़ों की बात हुई, लॉकडाउन बच्चों के लिए भी नागहानी मुसीबत बन गया था। स्कूल बंद हुए, ट्यूशन और खेलकूद भी बंद हो गया। अब घर में तकरीबन कैद की ज़िंदगी इनके लिए अजाब बन गई। ऐसे संगीन हालत में 10 साल की आलिया ने अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अपने घर पर ही इसने कुकीज़ बनाना शुरू कर दिया। इसने अपने वालिद मुर्तज़ा रहीम से कुकीज़ बनाना सीखा और व्हाट्सएप पर कुकीज़ बेचने के लिए मैसेज भेजा। आलिया की ये छोटी सी कोशिश तवक्के से बढ़कर कामयाब रही। कुछ ही अरसे में आलिया ने कुकीज़ बेचकर मुनाफे में 8,000 रुपये जमा कर लिए। इसमें से कुछ रकम आलिया ने पुणे के ही एक इमदादी इदारे को दे दी जो कर्फ्यू में परेशान लोगों को रोज़ाना खाना खिलाने का काम कर रहा था। इसने बाकी रकम का इस्तेमाल भी गरीबों की मदद के लिए करने का फैसला किया। आलिया के वालिद मुर्तज़ा अब्दुल रहीम और दादा अब्दुल हुसैन ने इसकी हौसला अफजाई की। इस रकम से आलिया ने एक अपाहिज शख्स के लिए 3 पहिए की साइकिल और एक बेवा औरत को खुद कफिल बनाने के लिए एक सिलाई मशीन खरीदी। ये दोनों चीज़ें प्रेरणा ट्रस्ट के जरिए मुस्तहिक अफराद को अतिया किए गए। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद, रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर सैफुद्दीन अब्बास, मिर्ज़ा अब्दुल खय्यूम नदवी, कस्तूरे और पाटिल और प्रेरणा ट्रस्ट का अमला मौजूद था। आलिया अभी 5वीं जमात में ही है। इस नन्ही सी बच्ची ने माशरती खिदमत के जज्बे से जो काम किया, यकीनन वो पूरे माशरे में एक बेहतरीन वो काबिले तकलीद मिसाल है। मुझे लगा जब मैंने रात में ऑर्डर्स के लिए पोस्ट किया, मुझे लगा टाइम लगेगा ऑर्डर्स आने के लिए, और मैंने बोला मैं 20-25 ऑर्डर्स मैक्सिमम ले लूँगी। तो मुझे 20-30 मिनट के अंदर मुझे ऑर्डर्स बंद करना पड़ा क्योंकि 21 ऑर्डर्स आ गए थे। 8,000 के आसपास। इंग्लिश बोला? हाँ। 7,000-8,000। अच्छा, फिर आपने क्या किया उसको? फिर मैंने उसको डोनेट किया। अच्छा, किसके पास? प्रेरणा ट्रस्ट और एक पुणे में भी एक ट्रस्ट है आधा वहाँ पे। एक हमारे कस्टमर वही वो ट्रस्ट पार्ट है, वो बच्चे को जिसके पास पैसा नहीं है उनको खिलाते हैं। अच्छा। वो ट्रस्ट में भी दिया प्रेरणा ट्रस्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज के यौम पैदाइश की जबरदस्त तैयारियां जारी है। शिव जयंती पर ढोल पतक के एक प्रोग्राम महाशिवादन के लिए शहर के 15 ढोल पतक 1,000 ढोलचियों की तरबियत की जा रही है। वबाई दौर के बाद इस बार शिव जयंती पूरे जोश खरोश और रिवायती अंदाज में मनाने की जबरदस्त तैयारियां जारी है। शिव जयंती पर ढोल पतक का प्रोग्राम बेहद मकबूल है। शिव जयंती की रैली में मुख्तलिफ इलाकों के ढोल पथक शामिल हुए हैं। इस बार शिव जयंती पर शहर के 15 क्रीडा मंडल के ढोल पथक हिस्सा लेंगे। इन मंडलों के 1,000 ढोलची इस बार एक ही सुर व ताल में एक साथ ढोल बजाएंगे। नौसेना के ऋषिकेश जायसवाल इस अनोखे प्रोग्राम के मुहर्रिक हैं। उन्होंने क्रांति चौक के मैदान पर ढोल पथक की तरबियत का नज़्म किया है, जहाँ रोजाना शाम में 1,000 जवानों को 500 ढोल 1,000 ताशे एक साथ बजाने की तरबियत दी जा रही है।
लक्ष्य एक दोन मिनट शहर का ऐतिहासिक दिन 1 2 3 स्टार्ट बनने अंदर फक्त आरसीसी ढोल पथक पाचो आज वाजले पुतले का अनावर वाजवायच्या आधी एकदा परत तुम्हाला सांगतो काय पाचो आज अनावर वबाई दौर में माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए सिर तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन वारूस सनती इलाके में कुछ लोग दरख्तों की कटाई करके माहौलियात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माहौलियात के लिए सरगर्म अफराद उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वालूर सनती इलाके के E126 सेक्टर में MIDC ने एक कंपनी को प्लॉट दिया है। इस प्लॉट पर लगे दरख्त को खुले आम काटा जा रहा है। वालूज एक बड़ा सनती इलाका है, यहाँ कई बड़ी कंपनियों के अलावा सैकड़ों छोटे कारखाने चलते हैं। इस इलाके में माहौलियात का तवाजुन बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाती है, लेकिन इस कंपनी में दरख्तों को काटा जा रहा है। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म तंजीमें और अफराद इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि दरख्तों की गैर कानूनी कटाई को रोका जाए। औरंगाबाद के गारवाड़ स्टेडियम में 13 मार्च को हिंदी नाटक महाभारत का इनेकाद किया गया। इस नाटक का एहतमाम करने वाले अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील बताई। मैं बस औरंगाबाद के निवासियों को नमस्कार कहना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपके शहर में 13 मार्च को पधार रहे हैं अपना भव्य हिंदी नाटक महाभारत एन एपिक टेल लेकर। आप इसे ज़रूर देखने आइए, पधारिए। ये जो है पूरा जो 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 ये जो थिएटर प्ले जो शो बनाया हमने, ये 2.5 घंटे का प्ले है। आप लोगों को इसके संवादों का मज़ा आएगा, पद्य शैली में इसके डायलॉग्स लिखे गए हैं। ह्यूज प्रोडक्शन है, LED स्क्रीन्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है और जो स्टार कास्ट आप देखेंगे, ब्रिलियंट एक्टर्स परफॉर्मिंग, आपको लगेगा कि आप एक 70 mm एक 3D फिल्म देख रहे हैं, और लेकिन कलाकार लाइव आपके सामने आ गए और वो परफॉर्म कर रहे हैं कि जो डायलॉग्स हैं ये पद्य शैली में लिखे गए हैं। एक एक संवाद का आपको दैट इज द हाईलाइट ऑफ आवर प्ले। एक एक डायलॉग का लोगों को मजा आएगा, और जब परफॉर्मेंस जब गोफी पेंडल साहब हमारे साथ हैं, जब वो मामा शकुनी बनकर आएंगे तो आप देखेंगे साक्षात मामा शकुनी इतने हजारों वर्षों बाद वो धरती पर फिर से अवतरित हो गए। ऑडियंस मुझे पूरी उम्मीद है, बिकॉज मैं जानता हूँ यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य हैं, वो भाषा को समझते हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं, तो औरंगाबाद निवासियों के लिए तो ये बहुत ही एक चीज़ कमाल की आ रही है। वो इसका सबसे ज़्यादा हमें पूरी उम्मीद है कि ओवेशन जो हमें जो सराहा जाएगा औरंगाबाद के जो लोग हैं इससे सबसे ज़्यादा सराहेंगे। नाज़रीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिव जयंती के तहत मुनाक़िदा शिव चरित्र पारायण प्रोग्राम बना कौमी यकजहती और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। 2 साल बाद फिर शुरू हुआ उमरा के मुकद्दस सफर का आगाज। महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी की अनोखी एहतजाजी तहरीक। वजीर आजम की मजम्मत में भेजे जाएंगे 50,000 मजम्मती खतूत। और वबाई दौर की पाबंदियों में कमसी नालिया ने खाली वक्त का किया बेहतरीन इस्तेमाल। छोटे से कारोबार में मिले मुनाफे से मुस्तहिकों की मदद। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।